साइकिल पंजार है

और शादियाँ वेडिंग एनिवर्सरी और बदमाई वगैरह जो है उन सब के लिए आप ऐसे भेज सकते हैं हाँ, और अब आप कपड़े भी भेज सकते हैं अहमद नज़ीर ने ये नई जीन

वेलकम बैक सो हमारे दमकते चेहरे आपको ये बता रहे हैं कि अर्जेंटीना जीत चुका है <laughs> मैं सारा क्रेडिट उनको ही देती हूँ ठीक है और आई थिंक इट वॉज़ प्रॉब्लम वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनल्स जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया हुआ है तब का मैं आपको बता रही हूँ साहब कि आखिर तक गए कोई बोरिंग चीज़ नहीं थी कि एक, एक गोल हो गया हो या बाकी सारे अब मर रहे हैं बाकी अस्सी मिनट ठीक है और उसके बाद मैच खत्म हो गया एंड दैट्स फाइनल फॉर यू बड़ा मज़ा आया फिर आ, आपने सेलिब्रेट कैसे किया देखा तो था ना कि नहीं नहीं बिल्कुल देखा था मेरा भाई और एक कजन थे, तो वो अच्छा। बहुत थे, तो मुझे भी देखना पड़ गया दो ग्रुप्स में मैसेज किया हाँ। कि जिस जिस ने पे बैट करना है ना तो वो इधर मैसेज डाल दे तो मैं आई एम एक्सेप्टिंग बैट्स ओके तो एक ग्रुप से तीन लोगों ने और एक ग्रुप से पांच लोगों ने सौ सौ रुपया लगा दिया अब वो हुआ ये कि आठ सौ रुपए जब मार्केट में ऐसे फ्लोट हुए ना हाँ। तो मेरा भी इंटरेस्ट बना ओ, अच्छा हाँ। बना आपका नहीं बना मेरा इंटरेस्ट नहीं था बन रहा लेकिन अब वो हुआ ये कि वो अर्जेंटीना गोल पे गोल कर रही है और मैं कह रहा हूँ से फ्रांस वापस ओ, और आप के भाई ने जो उसके बाद चप्पे दिए हैं सबको वो और बात है कि फिर वो एंड में हम हार गए लेकिन फिर वो हुआ ये कि इन्होंने कहा जी के क्योंकि नजर आ रहे थे, मैं बहुत दुखी हूँ तो, और ये बहुत खुश थे तो इन्होंने कहा कि आओ तुम्हें खाना खिला के लाए तो फिर हम पहले गए बंद बनप्रस्तर खाने किधर खाने <laughs> बंद ओके आई आई हैव नो आईडिया सॉरी अच्छा टू बर्गर मैं मानती हाँ। उस तो, हाँ, so हाँ। तो, मतलब हाँ तो उसके अंदर से लेकिन आमदो रफ्त हो रही थी <laughs> तो हमने <laughs> चार बंद प्लस्तर और चार चाय का ऑर्डर दिया बंद आए ही हैं तो वहां पे पुलिस का छापा

और फिर वहां पे पुलिस आ गई <laughs> लेकिन के क्यों नहीं लेके गए मजा नहीं आ रहा वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन था क्योंकि हाँ। वो भी मेरे पास है वैसे वीडियो में आप पता नहीं लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए कल पुलिस आते ही ना आ आज हाँ। तो उन्हों उन्होंने आके किया ये कि वहां पे राइट लेफ्ट जितनी चीजें खुली थी उन्होंने सब बंद करवा दी लेकिन जो गूंगा चाय वाला था ना उसने शटर गिराया ना उसके चेहरे पे कोई टेंशन आई वो यूं करके बैठा हुआ था और उसकी चल रही थी इसका मतलब ये है कि थाने की चाय वहीं से जा रही है उसको किसी ने टच भी नहीं किया तो दिस इज अ वेरी मोहम्मद आसिफ सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड बाय द वे जो हमने डिस्कस भी किया था अपनी नई क्रिकेट पिसोड़ी एपिसोड के अंदर युगाइज जो कि हमने कराची जाके की लेकिन

तो उसके बाद हुआ ये कि अब जब इसने बार बार कहा कि हम जाएंगे रिकॉर्डिंग करेंगे मज़ा आएगा रात को चिल करेंगे ये वो तो मैंने कहा अच्छा तो फिर मैं चिल मोड में हो गया मैंने बजाय कि अपना मैं इक्यूपमेंट लेता मैं साथ मुगैस को साथ लेता मैंने वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस को कह दिया कि यार वो कर दोगे तुम लोग उनका हाँ मसला ही कोई नहीं उधर जो हमारे साथ हुआ वो जब yeah, मैं वापस just... पहुँचा तो पता लगा कि एक एपिसोड में रिहान का माइक क्लिप कर गया वह दो एपिसोड्स में हमारा माइक नहीं है बहुत आला एक एपिसोड में तो बीस मिनट के बाद कैमरे ही नहीं है आगे देखें मेरे प्लान <laughs> और हुआ ये कि अच्छा मैं ये हम मेरे ख्याल में सो हम थर्सडे को हम रिकॉर्डिंग की है मैं मैं तो वापस आ गया हाँ, तो एक्स्ट्रा वहाँ पे रुकी जी। मैं आया हूँ रात को जब वो फुटेज आया और मैंने देखा मैंने उधर रोया मैं आंसुओं के साथ उन्हें आगे से सॉरी। डजेंट कट इट यू नो वी स्पेंट मनी ऑन आर टिकेट मुझे अपने अकोमिटेशन के पे पैसे देने पड़े थे ठीक है वहां याशी करने के भी पैसे देने पड़े थे एंड यू जस्ट सॉरी और उसके बाद मतलब मैं तो उस रात तो मैं ये दुआ करके सोया कि मैं सुबह उठूं ही ना अच्छा वैसे ना ऐसे हालात तो में मुझे बता दिया करो अच्छा हाँ वो तो खैर अल्लाह ने अच्छा किया कि मेरी दुआ को भूल नहीं की अच्छा मैं सुबह उठ गया हाँ। लेकिन टेंशन इतनी शदीद सो बेसिकली एक पूरी शूरा बैठी सो माय वाइफ अली मलिक ए आई अहमद और इनका यही था कि यार माहो को बता दे रिहान को बता दे एमर को बता दे बस बता दे गेट इट आउट ऑफ सिस्टम मुझे था कि यार ये दिस वाज सपोज टू गो ऑन एयर ऑन मंडे ठीक है माहो वैसे भी अभी कराची है जो टेंशन उनको मंडे को मिलनी है हुँ. वो मैं पहले क्यों दू हाँ, कितने अच्छे दोस्त हैं आप <laughs> है इसके रेप्लिकास क्यों नहीं मिलते <laughs> तो मैंने वो जो तीन दिन अपने में जब्त करके रखा है था और फिर उसके बाद जब मैंने अपना चेहरा मुबारक दिखाया तो उन्होंने मेरे ऊपर बम ब्लास्ट किया हाँ। कि हाँ। ये हो गया है और फिर अब वो जो पहला एपिसोड गया है उसमें लिटरली सीन ये है कि जो रिहान की आवाज आ रही है वो आवाज वो है जो कि अहमर के, के माइक से आ रही थी उसको लेके स्टूडियो में ऑडियो स्टूडियो गया हाँ। वहां बैठ के पता नहीं कितने घंटे लगा के

जो हाँ अब जो है ना सो मैंने एक चीज सीख ली है वो जो है ना नसीब में मेरे ना वो चिल नहीं है हाँ।

खैर चला आ, दे जा निशानी तेरी मेहरबानी हाँ. Anyways, हम लोग उस ट्रिप के कुछ और कुछ और एपिसोड्स भी आगे निकालेंगे प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा फॉर वीडियो और दी ऑडियो प्रॉब्लम हाँ वीडियो भी लिटरली यार वो प्रोडक्शन हाउस था कराची का और मेरा तो ख्याल था कि कराची में सब बड़ा सही होता है यार उन्होंने मैनुअल फोकस तक नहीं किया हुआ था ऑटो फोकस था रेहान आगे होता है तो ब्लर हो जाता है हां रेहान ब्लर हो जाता है रेहान और मैं मैं सलाल उस आदमी को उससे किसी चीज को नोट नहीं किया सलाए अपनी कमीज के और कुछ नहीं था तो यू आर लकी जो है विद पीपल जो कि <laughs> ज़ूम आउट कर ज़ोन आउट कर जाते हैं कि पता नहीं हम शो कैसा था और क्या नहीं था

तो वहाँ पे दुकान पे सोने की वो मतलब बेल्टे मतलब वो वो ना इस तरह निकाल निकाल के कह रही होती है किन्ने मीटर तक काट ला मार्केट्स में किन्ने मीटर तक काट <laughs> यार वो है उनका मतलब उनका लाइक अगर आप इस जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके बाजारों में भी जब आप लोग उनकी जब फैंसी डिजाइनर है जिनपे सिर्फ मैं सिर्फ इसलिए जाती थी कि ए वही मैं देखूँ वहाँ पर क्या वो वो बैल्ट पहन के वहां पर आई होती हैं ठीक है थीके? सिर्फ शादियों पे बैल्ट नहीं चल रही होती वो पहन कर आई होती बिकॉज दैट्स देयर वर्ल्ड ठीक है world, और वहां पे उन्होंने ये स्टैंप लगवानी है कि देखो मेरे पास भी ये है तो वैसे उनके गोल्ड मार्केट में अगर आप फिरे ना मैं लिटरली पाकिस्तान को दुआएं देती हूँ उस लिहाज से कि यार यहाँ पर डिज़ाइन और आपको कुछ समझ है गोल्ड कितरो मतलब ये सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहाँ ख़त्म हो रहा है उधर कुछ समझ नहीं आती उधर होता इतना बड़ा ब्लॉक और ये पहन लो बस यही स्टाइल है वहाँ का बट रॉयल्टी uh, तो है मैसी ही डिजर्वड इट बाय ऑल मींस आपने तमीम को देखा था कितने एक्साइटेड हो वो उनसे मिल रहे थे कि दोबारा मुझे यहां मिले ना मिले यार वो बड़ा अननोइंग था वो मक, साहब हाँ। वो और वो प्लेयर्स के अंदर घुसी जा रहे हैं हाँ। प्लेयर्स कह रहे हैं यार ठीक है यार तो हाँ। ठीक है होवेगा तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर ठीक है हमारी जान छोड़ दो

ट्रॉफी वो करने आई हो वो भी ओ माय गॉड ओ माय गॉड अर्जेंटीना के गोल्स पे और वो जपिया डाल रहे हैं वो भी मुझे दुख रहा है क्यों रणवीर से जपिया डाल रही है तो हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं <laughs> तो बहुत पता नहीं क्यों सब

ठीक है आ, हम जिस टाइम पे ये शूट कर रहे हैं ये एपिसोड जब आप देखेंगे तो जो इंग्लैंड है आज ही देखेंगे तो, तो दर्शकों दे में कह रही हूँ ना हाँ वो वही बताने लगी थी कि हमारे अभी जिस टाइम पे आप देखेंगे तो वो कॉल ऑफ हो चुका हुआ है और फिफ्टी फाइव रन उनको चाहिए जीतने के लिए अच्छा जलील तो हुए हुए जा रहे हैं ये सीरीज हारने के बाद रमीज राजा ने यही बात कहनी है बड़े एक्साइटिंग क्रिकेट थी इंग्लैंड की मजा आ गया खेलने का और मारे ना आप हमें खैर वो दैट साइड मेरे समन जिन्होंने कमेंट किया हुआ था मैंने ट्वीट की थी कि तेजी से गामजन है हम हारने की तरफ तो किसी बंदे ने वहाँ पे लिखा हुआ था मैंने चौथे दिन की टिकट ली हुई थी कि मैं चौथे दिन जाके मैच देखूंगा भाई आप पहले दिन के पहले आधे घंटे की भी टिकट नहीं लेते कंसिडरिंग द फर्स्ट टू मैच एंड हाउ वी आर प्लेइंग एक वो कौन सा वाला डल्यूजन है यार हम क्यों नहीं मानते कि हम नहीं है ठीक

ऐसे पे तो तो ना करते यार लाइफ टाइम ट्रॉमा <laughs> हाँ ये होता है बारे वो तो बड़ा जज्बाती बयान था उनका अजहर अली का यार हाँ अजहर अली रिटायर हो गए हैं इनके ख्याल मैं नहीं चाहती कि अब आपके सामने बहुत ज़्यादा खुल खुला कर आए क्योंकि आप तो सड़ना ही शुरू करते थे बट मैं आप लोगों से ये कहूँ कि 2010 में जब वी वर गोइंग थ्रू द वेरी वेरी रफ पैच वैसे तो अभी भी रफ पैच ही है लेकिन उस टाइम पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर नंबर वन होना और फिर इनका भी पार्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा था तो फॉर मी ही विल ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज एटलीस्ट कुछ तो चल रहा था ना उनके होते हुए वो असल में मसा फिर वही है कि एक तो उनका जो था ना कि अगला मैच मेरा आखिरी होगा मेरे ख्याल में वो था कि

कि शायद मिल जाए अल्लाह में लेकिन नहीं मिला तो खैर ये अच्छा हुआ इनको माना क्योंकि ये तो बाहर हाल ही नहीं देते क्रिकेटर्स को ये बड़ा अजीब सी चीज है हा, हा, अच्छा नंबर दो चीज मैं अजहर अली साहब जो हैं वो मेरे ख्याल घबराती रहती हैं फिर वो है अजर अली ने मेरे किसी प्लॉट पे कब्जा नहीं किया नहीं कब्जे की बात है लेकिन आप हाँ एक तो ये है कि हमारा जो है ना तजिया करो का हमारी दुनिया की इजीएस जॉब है बेसिकली हमने खुद कुछ नहीं करना होता है जो भी कोई कुछ कर रहा होता है ना अच्छा बुरा हम कहते हैं फलाना अच्छा कर रहे हैं हम उसके पैसे ले लेते हैं फिर हम कहते हैं फलाना बुरा हम तो पैसे भी नहीं ले रहे अली हम क्या कर रहे हैं हम अधिकारी क्यों रहे हैं एक है? दिन तो लेंगे ना तो बाकी ये कि अजर अली से कोई गिला शिकवा नहीं है ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो एक तुमने सुना ही होगा ये प्रोबब्ली असल वाक्य है शायद जो को कि के वो केपी के किसी इलाके में जो है वो एक कॉन्सर्ट हुआ तो वो खातून गाने आ गई तो वो खातून जो है वो बड़ा मतलब बेसुरा गा रही थी तो एक वो खास साहब

तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उधर कहूंगा कि नहीं यार बनता नहीं है तुम वो ठीक है है मैं ले है, ठीक नहीं? ऐसे है ना जैसे <laughs> मियाँ साहब को जितनी दफा प्रीमियरशिप ऑफर की जाती हुआ तो हाँ कर लूंगा जितना मर्जी दलील करो फिर आ हाँ. कोई मसला नहीं तो हाँ। तो हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो उनको लेके आए नहीं मैं उनको भी बिल्कुल नहीं ढूंढ रही <laughs> जो उस टाइम पर वो जो टेस्ट क्रिकेट था ना एक तो मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद भी तहाशा है बहुत ज्यादा दैट्स प्रोबब्ली माय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फॉर्मेट एक तो मुझे ये बताओ कि जितनी चिट्टी उनकी वर्दी है हमारी क्यों नहीं है नहीं धोते होंगे सही तरीके से या लॉन्ड्री में नहीं जाता होगा अपने अपने खर्चे पे अपने डिटर्जेंट पे धोते होंगे okay. आपको तो पता है ना हम हम तो अपने रिहेबिलिटेशन के भी सारे पैसे खुद ही अफोर्ड कर रहे होते हैं कोई नहीं देता तो आपको लगता है वो डिटर्जेंट देंगे इनको okay. तो भाइयों आपने जो भी पहना है बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं स्पेशल शावर बिकॉज ही केप्टून टेकिंग द विकेट्स अभी भी जो पचपन रन से उन्होंने जीतना है उसमें भी दो विकेट्स अब्रार निकाल चुके हैं सो स्टार्ट बट वेरी अनफॉर्चुनेट के अगेन ही जा पाएंगे एनी अ अच्छा ये तो था क्रिकेट फुटबॉल हमने काफी इधर-उधर की बात दी थी तुम ये देखो कि सियासत समाजी रवैये <laughs> स्पोर्ट्स कोई जगह है जहाँ पे हमारी गहरी नजर ना हो बड़ी सख्त नजर है व्हिच रिमाइंड्स मी अच्छा व्हिच रिमाइंड्स मी अगेन कि ये तो सारी चीजें हैं हम खबरें-खबरे तो हम देते ही हैं लेकिन असल जो हमारे इस शो का मकसद है क्या मकसद वो तो है عوام की राहनुमाई करना तो यहाँ मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूंगा कि ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं जो, जो बकल वाली बेल्ट है ये तो आपने बैठा हुआ है कभी नहीं लेनी हाँ। नहीं ये, ये खुल नहीं बैठा सो so, बकल वाली बेल्ट का मस्ते ये कि ये होती है पतले लोगों के लिए सो आपने अगर ले लिया ना तो जैसी बैठोगी प्रोक करके खुल जाती है तो इसका कोई फायदा नहीं है

हमेशा से इस चीज को फॉलो करता रहा हूं कभी कभी भूल चूक हो जाती है और वो ये है कि आप जब जाते हो किसी जगह पे कुछ खरीदने तो आप सिर्फ ये ना देखो कि ये

हाँ जॉयलैंड के रिव्यू के लिए देखना ना भूलिएगा माह कल <laughs> चलो ठीक है अच्छा फाइन आई गिव यू दिस ठीक है हम कल रिव्यू करेंगे ओके जी ताफिज